हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपनी हाजिर जवाबी और तुरंत कार्यवाही करने के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश हो या देश में चल रहे समसामयिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। खासकर बात जब कांग्रेस और राहुल गांधी की हो तो गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया बेहद खास हो जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने दूसरे दौर की यात्रा निकालने वाले हैं। वहीं संसद में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने भारत को खंडित कर दिया है, जिस पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू ने भारत को खंडित किया, उसके दो टुकड़े किए जिसमें एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। उसके जख्म आज तक लोगों को याद हैं। भारत कोई टूटा हुआ थोड़ा, इनको तो हमेशा भारत खंडित नजर आता है, क्योंकि इनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने भारत को खंडित किया, उसके दो टुकड़े बनाए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान बनाया, जिसके जख्म आज तक लोगों को याद हैं। वहीं विज ने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि कौन टूट गया जिसे वो जोड़ना चाहते हैं। वहीं गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि कभी आंख मार कर कभी फ्लाइंग किस करके राहुल गांधी के अंदर का इंसान बाहर आ जाता है, और यदि उस इंसान को देखें तो वो बहुत असभ्य नजर आता है। गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, लेकिन हुड्डा साहब जो बता रहे हैं वो अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि उनके राज में यही सब होता था। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सारे एग्जाम हो रहे हैं। ये जो हुड्डा साहब बता रहे हैं ये शायद अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि इनके राज में यही कुछ होता था। बहरहाल राजनीति में क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया की परंपरा कोई नई बात नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा और परिचर्चा होनी ही चाहिए। सूर्या समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।